खरगोन जिले के सेगांव तहसील मुख्यालय पर उल्टी दस्त को लेकर स्वास्थ्य विभाग अमले की हर कोशिश नाकाम नजर आ रही है। वहीं उल्टी दस्त का कहर भी बढ़ता जा रहा है। नगर में इस बीमारी को फैले लगभग 10 दिन हो गए हैं, लेकिन तहसील मुख्यालय के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर मरीजों की संख्या कम होने के बजाय बढ़ती जा रही है। केंद्र से मिली जानकारी से आज भी लगभग 42 नए मरीज उल्टी दस्त के भर्ती हुए हैं। वहीं नगर के श्रवण यादव की उल्टी दस्त से मौत हो गई है। जब उनके पुत्र राम रतन यादव से जानना चाहा तो उन्होंने बताया कि मेरे पिताजी को उल्टी दस्त लगे थे और उनका उपचार भी चल रहा था। उल्टी दस्त का कारण तो उल्टी दस्त कब लगे थे? 2-3 रोज हो गए। क्या इलाज करवाया आपने? अस्पताल में ले गए। क्या नाम था उनका? श्रवण। और आपका क्या नाम है? राम रतन। आप उनके क्या पुत्र हो? हाँ। वहीं दूसरी ओर स्वास्थ्य विभाग अमला घर घर जाकर उल्टी दस्त से बचने की सलाह दे रहे हैं। वहीं सेगांव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से लगे रसगांव, गोलवाड़ी, दोमवाड़ा, खोलगांव के भी मरीज इसी बीमारी के चलते स्वास्थ्य केंद्र आ रहे हैं। कब से आपको उल्टी दस्त लगे? मुझे अभी करीबन 7 रोज हो गए भैया। कितनी बाटले चढ़ गई? कम से कम 19 बाटले चढ़ चुकी है। अभी कोई उसका फायदा मिला? फायदा कुछ नहीं मिला सर। कहाँ पे आपने बाटले लगवाई? यह सरकारी अस्पताल में लगाई है। अभी इलाज चल रहा है? इलाज चल रहा है, बाकी अभी कुछ फायदा नहीं हुआ है। अभी तक मरीजों का आंकड़ा 242 हो चुका है। वहीं स्वास्थ्य विभाग, PHE और पंचायत विभाग अभी तक उल्टी दस्त लगने का कारण पता नहीं लगा पाए। वहीं जब जिला कलेक्टर से संवाददाता ने बात की तो उन्होंने कहा कि स्थिति में सुधार है। सेगांव से संजय जायसवाल की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के